हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बालाजी वेफर की बेहतरीन रेसिपी बनाने वाली हूँ। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये रेसिपी आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ले ली हूँ बालाजी वेफर्स। सबसे पहले हम टमाटो को कट कर लेंगे। मैं टमाटो को कट कर लेती हूँ एकदम अच्छे तरीके से, छोटा छोटा। आपको उसको एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। फाइनली मैंने टमाटर को कट कर ली हूँ। अब कटे हुए टमाटर को कर दूंगी साइड। अब बारी आती ओनियन की, मेरा मतलब है कांदा। मैं सबसे पहले कांदे की छिलके को निकाल लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कांदे के छिलके को निकाल दी हूँ। मैं उसे कट कर लूँगी। आपको भी संभाल संभाल के कट करना है, नहीं तो उंगली कट सकती है। मेरा मतलब है उंगली कट ने की संभावना हो सकती है। चलिए बातों ही बातों में मैंने कांदे को काट ली हूँ। अब उसे मैं हरे कांदे की पत्ती को ले लूँगी। हरे कांदे की पत्ती को डालने से थोड़ा स्वाद बनता है, आपकी मर्जी डालो या ना डालो। चलिए इसे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। फाइनली मैंने हरे कांदे की पत्तियों को कट कर ली हूँ। अब ले लूँगी हरी धनिया। हरी धनिया को भी कट कर लूँगी। आज मेरा छोटा बेटा बहुत पीछे पड़ा था, मम्मी कुछ ऐसा नाश्ता बनाओ जो मैंने कभी नहीं खाया, तो इसके लिए मैं सोची आज उसके लिए बना देती हूँ सुबह सुबह का नाश्ता। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है कब बनेगी नई रेसिपी। तो मैं धनिया को काट ली हूँ। चलिए धनिया को करती हूँ साइड। अब मैं लेती हूँ हरी मिर्ची से। मैंने एक ही मिर्ची लिया है, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से लीजिएगा। मैं मिर्ची कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैंने मिर्ची को काट लिया है। अब मिर्ची को करूँगी साइड। देखिए जितना मैंने कटिंग की थी वो सब एक बाउल में खाली कर लूँगी। अब उसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। हम ले लेंगे एक पतीला। अब सारे वेफर को उस पतीले में खाली कर लेती हूँ। आप कोई भी वेफर ले सकते हो, मैं बालाजी का वेफर ली हूँ। अब मैं एक एक करके सारे वेफर को खाली कर लूँगी, तो मैं फटाफट खाली करके आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे वेफर को खाली कर ली हूँ। सारे वेफर खाली करने के बाद उसे अच्छे से चुरचुरा कर लेना है। आपको अपने हाथों के सहायता से आपको सारे वेफर को चुरचुरा कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए फटाफट चुरचुरा करके दिखाती हूँ आपको। फाइनली मैंने कुरकुरा कर लिया है इसे। हमने स्टार्टिंग में जो कटिंग किया था उसको उसमें ऐड कर लेंगे। चलिए उसको मैं ऐड कर लेती हूँ। ऐड कर लेने के बाद आपको कुछ उसमें सामग्री डालना है। सबसे पहले मैं ले लूँगी टमाटो केचप, करीबन एक चम्मच आपको उसमें डाल लेना है। टमेटो केचप डालने के बाद आपको एक चुटकी काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ले लेना है, मेरा मतलब है डाल लेना है। साथ ही आपको एक चम्मच चाट मसाला भी ऐड करना है। अब हम उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। मैं उसमें नमक डाल लेती हूँ और उसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी। आपको मिलाने में कंजूसी नहीं करना है। पाँच मिनट मिलाने के बाद हम उसे सर्व कर लेंगे। लो हमारा नाश्ता हो चुका है रेडी। छोटा बेटा, ओ छोटा बेटा, आजा तेरा नाश्ता तैयार है। फाइनली हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। अगर आपको ऐसी नई नई रेसिपी देखना है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो कीजिए लाइक। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। चलिए बाय। और जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला डालना है, आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं।